गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी श्वेता। तो ये ब्लॉग जो है मैं 2-3 दिन का ब्लॉग ऐड करके बनाऊंगी, क्योंकि इस टूटे हाल से तो मैं ना कहीं जा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11 o'clock और मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है, मुझे ब्रेकफास्ट मिला है, वही ड्राई फ्रूट्स मैं खाऊंगी और टीवी देख रही हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ करने के लिए है नहीं। अगर आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है कि कोडमंगला में मेरे साथ क्या हुआ, तो वो जाके आप देख लो, मैं लिंक जो हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अभी जैसा आपको पता है मेरा लॉगिन टाइमिंग जो है 11 o'clock है, तो मैं नहा नहीं रही हूँ। एक कल ही मैंने नहाया है, क्योंकि मैंने जो क्योंकि मुझे इसको अभी टेक केयर करना है। तो कल मैं नहाई, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ और ये गीला भी हो गया, वरना ये पता चला कि मुझे इन्फेक्शन भी हो जाएगा। इसलिए भी मैं 1-2 दिन का गैप करके रखूंगी। और मैं अभी एक ही पैर पे जंप कर करके चल रही हूँ, तो मैंने ऑलरेडी वॉशरूम का सिंक भी जो है वो लिटरली तोड़ ही दिया है। तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, अभी मैं बैठ रही हूँ और अभी लॉगिन का टाइमिंग है, तो मैं अभी काम भी करूँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ नहा तो रही नहीं हूँ, तो थोड़ा फेस का टेक केयर करूँ, तो अभी मैं फेस पैक लगाऊंगी। और मैं क्या क्या मिला है इसमें, ये बेसन हल्दी हनी और यही सब है, कॉफ़ी। तो थोड़ा अभी रह रहे हैं 2 वीक, तब मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था, थोड़ा टैनिंग निकलेगा। तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कितना स्ट्रगल करके वॉशरूम ये भी मैं जा रही हूँ, तो भी मैं चल रही हूँ। और ये छोटे मोटे बाकी सारे यही लोग काम मुझे करके दे रहे हैं, तो राजा रानी की जैसा मुझे फील हो रहा है। बट कभी कभी थोड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि हर काम के लिए वो लोग भी काम करते रहते, जॉब करते रहते, उस बीच में बोलने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट कोई नहीं है, मुझे दूसरा ही दिन है ये, मुझे क्लास चुका और मुझे घर में रह रहे एकदम उबन हो रही है। तो मैं कल इन लोगों को बोल रही थी चलो वहीं घूमने के लिए जा रहे, बट ये लोग डांट रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 दिन जो है मैं पैर नहीं रख सकती हूँ नीचे, तो मुझे अभी भी पेन हो ही रहा है। तो देखते हैं कहीं तो आपको लेके जाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही आपको पता है मैं घर में ज़्यादा दिन बैठ नहीं सकती हूँ। तो आप जो है ब्लॉग में बने रहो, तो ये छोटा छोटा ही ब्लॉग रहेगा, 1-2 दिन का मैं ऐड करके डालूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। सुबह उठती हूँ, ऑफिस का काम करती हूँ और बेड पर ही पड़ जाती हूँ, और सारे फ्रेंड्स लोग कॉल कर करके पूछते हैं हाल चाल, बस यही है। तो इसलिए आपको दिखाते हैं क्या हम करेंगे आगे। तो मैंने फेस पैक जो है लगा लिया है। आप सोच रहे हैं कि पैर टूटा में फेस पैक कौन लगाता है, तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि नहा नहीं रही हूँ और जितना भी अभी ऑफिस जा रही, तो टैन हुआ है वो भी निकल जाएगा, इसलिए तो बस 15 मिनट में तो मैं सिंक में ही धो लूँगी। इसलिए भी जो है मैंने लगा लिया, क्योंकि सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका हाथ पैर टूटता है तो आप थोड़ा लो फील करते हो, लगता है कि एक ही जगह में पड़े हुए हो ये वो। तो इसलिए भी जो है मैंने सोचा अभी थोड़ा मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेशन जाता ही जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है जब ये प्लास्टर निकलेगा तो उस टाइम भी पैर का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो जाता है, कि ड्राई वगैरह हो जाएगा। तो देखते हैं उस टाइम पे हम क्या ट्रीटमेंट लेंगे। तो अब जो है मैं लॉगिन भी कर ही लूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 o'clock हो गया है, तो मेरा लॉगिन टाइमिंग भी हो गया है और ये ड्राई भी हो गया है, बस फेस और 5 मिनट मैं वेट कर रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी। तो ये रहा मेरा चाय, चाय भी आ ही गया, तो मैं बैठे बैठे चाय भी पी ही लेती हूँ। जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, अभी मैं सिंक के पास वॉश करूँगी और उसके बाद लॉग इन कर लेती हूँ। तो थोड़ा तुम्हारा पैर टूटा है, फिर भी तुमको अपने आप को चमकाने के पीछे पड़ी हुई हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है अभी इस प्लास्टर पे जो है पानी नहीं जाना चाहिए, अगर पानी चला गया तो एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने सोचा कि इसलिए मैं सोची कि 1-2 दिन तो गैप करके ही नहाऊंगी, क्योंकि कल मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का स्टिक नहीं है या फिर हमारे पास कुर्सी वगैरह भी नहीं है जो हम उस पर बैठें और उस पर नहाएं। तो वो ड्रेसिंग टेबल का जो हम टेबल होता है उस पर मैं नहाई हूँ, तो वो वुडन होता है, तो अगर मैं वो भी ख़राब हो जाएगा और वो बहुत हाइट वाइज बहुत नीचे रहता है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो 1-2 दिन गैप कर सकते हैं, या फिर हॉट टॉवल से मैं जो बॉडी अपना वाइप भी कर दूँगी, मैंने ऐसा भी सोचा। देखते हैं क्या करते हैं, आज तो कल ही मैंने नहाया। Thank you.
आपको फोकस करना होगा। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं कॉस्ट में अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिनको नहीं पता है वो जाके देख सकते हैं, मैंने ऑफिस का भी टूर दिया है। तो वहाँ के जितने भी लोगों को पता चला कि मुझे फ्रैक्चर हुआ है, उन लोग बोलते तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुमको अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो लीव ले लो। बहुत अच्छे हैं वहाँ के सारे लोग, इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मुझे अभी मुझे कह सकते स्पेशल केयर किया जा रहा है, उन्हें जैसे पता चल गया है। तो अभी काम करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने का स्पॉन्ज होता है, तो मुझे फील हो रहा है। तो चलिए सेलेक्ट मिलते हैं इवनिंग में, क्योंकि कुछ खास इंटरेस्टिंग तो मैं करने वाली नहीं हूँ इस टूटे हुए पैर से, तो ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है। लास्ट वीक जो हम लोग तगड़म तोड़ पार्टी करके आया, और उसके बाद ये मेरा पैर ही मैंने तोड़ लिया। बट कोई नहीं, आपको आने वाले दिनों में तो पार्टी तो मिलेगा, क्योंकि फूडी श्वेता ही पार्टी लवर है, तो आपको देखने मिलेगा। चलिए।